एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बच गया था, तो आइए आज जो है क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 को मैंने बोर्ड पे लिख लिया है क्योंकि ये लैंग्वेज से ही समझाया जा सकता है। इसमें कोई मैथमेटिकल नहीं है कि इसमें मैथमेटिकल लॉजिक दे, इसमें लैंग्वेज से ही हम के लॉजिक से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक नोट मैंने लिखा है कि लाइन इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। ये कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, जैसे ये कॉर्ड है, और अगर हम कोई लाइन ड्रा करें ऐसे और इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करती है, मतलब ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, तो ये श्योर है कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा। ये हमारा नोट्स कहता है। अब क्वेश्चन 3 आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 3 का फिगर मैंने ये बनाया है। यहाँ पे क्या मैंने सपोज किया है कि कंसीडर टू सर्कल्स सेंटर्ड एट पॉइंट ओ एंड ओ डैस, यानी इस सर्कल का सेंटर ओ है और इस सर्कल का सेंटर ओ डैस है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, यानी ए बी जो है ये कॉर्ड इस सर्कल का जो है कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है इस सर्कल का है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू ओ। इसका मतलब कि अगर ये कॉर्ड इस सर्कल का है और इस कॉर्ड का जो लाइन परपेंडिकुलर बाईसेक्टर होगा वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ये जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर अगेन क्या लिखा हुआ है कि ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ डैस, यानी ए बी जो है इस सर्कल का भी कॉर्ड है और ये जो लाइन है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है, तो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ ए बी विल आल्सो पास थ्रू ओ डैस, यानी ओ डैस से भी पास होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। देयरफॉर वी कैन से क्लियरली द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड। तो ये था कि जो है अगर कोई भी लाइन किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है तो ये कन्फर्म है कि वो सेंटर के सर्कल से पास हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि ये ए बी कॉर्ड इस सर्कल का भी है, इस सर्कल का भी है, तो ये जो आपका ओ ओ डैश लाइन है ये इस सर्कल से भी पास होगा और इस सर्कल से भी पास होगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर आपका